story. Do you like story? Yeah, everyone like stories. I also like stories. So kids, let's start for reading this story. Sona is a baby elephant. So look, she is a Sona. Sona is a baby elephant. Baby elephant means वो एक छोटी सी baby है. उसका नाम क्या है? Sona. She lives in the forest. और वो कहाँ पर रहती है? Sona forest में रहती है. Forest means jungle. With her mother and brother. और किनके साथ रहती है? अपने मम्मा के साथ और अपने भाई के साथ. One day Sona is very thirsty. One day means एक दिन. Sona को बहुत प्यास लगी. She walks to the river to drink water. वो चलते हुए, walk करते हुए नदी के पास गई. River means नदी. नदी के पास गई, drink water. क्यों गई? नदी में पानी पीने के लिए. She dips her little trunk in the water. उसने ट्रंक का मतलब होता है एलिफेंट का जो नाक होती है उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं. तो उसकी सोना खुद इतनी छोटी सी है तो उसका ट्रंक भी छोटा होगा. तो उसने अपने छोटे से ट्रंक को पानी के अंदर डुबो दिया, डिप कर दिया. और देन शी ट्राइज टू सक द वाटर इन हर ट्रंक. और वो कोशिश करने लगी कि जल्दी से पानी को ट्रंक में खींच के वो पानी पी ले. ट्राइज मतलब कोशिश करना, सक मतलब खींचना. मतलब जैसे हम लोग ग्लास में जब जूस होता है तो स्ट्रॉ ब्रेक के उसको सक करते खींचते हैं उसको अंदर पाइप से. तो उसको कहते हैं सक करना. तो सक द वाटर इन हर ट्रंक. कोशिश करने लगी पानी को अपने ट्रंक में, सूंड में खींचने के लिए. तब ये क्या सोचती है सोना? अचानक क्या होता है सोना के साथ? आई कांट ड्रिंक वाटर. आई हैव. सोना पानी खींचने की कोशिश करती है अपने सूंड में. तभी उसको दिमाग में क्या सोचती है? अचानक सोचना शुरू करती है. आई कांट ड्रिंक वाटर. आई हैव अ कोल्ड. अरे मैं तो पानी खींच ही नहीं पा रही, मुझे तो जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया है. सो इट्स नेक्स्ट स्टोरी इज, नेक्स्ट पैराग्राफ इज, नाउ सोना बहुत कोशिश करती है ट्रंक से पानी को सक करने की, बट इस पे उसको कोई फायदा नहीं होता है और सोना उदास हो जाती है क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी होती है. तभी क्या होता है? आई एम सो सैड. मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं पानी नहीं पी पा रही. हाउ कैन आई ड्रिंक वाटर नाउ. अब मैं पानी कैसे पीऊँ? राजू हर ब्रदर कम्स टू द रिवर. तभी राजू जो उसका भाई है सोना का, वो नदी के पास आता है. व्हाट्स द मैटर सोना? व्हाट्स द मैटर? मैटर मींस क्या बात है, क्या कारण है. व्हाट्स द मैटर? क्या बात है सोना? आई हैव अ बैड कोल्ड. सोना बोलती है मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है. आई कांट ड्रिंक वाटर. मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ. आई एम सो थर्स्टी. मुझे बहुत प्यास लगी है. डोंट वरी. डोंट वरी मतलब डरो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है. डोंट वरी जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है और तब आपके पेरेंट्स आपको बोलती है डोंट वरी बेटा, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक हो जाएगा. ऐसे सोना का भाई जो राजू है वो सोना को समझा रहा है कि डोंट वरी, मैं हूं ना, डोंट वरी. आई विल हेल्प यू. मैं तुम्हारी मदद करता हूँ.
नाउ अब सोना का भाई राजू क्या करने वाला है? लेट्स रीड। सोना ओपन हर माउथ। सोना अपना मुंह खोलो। राजू सक इन वाटर विथ हर ट्रंक। और सोना अपना मुंह खोलती है और राजू नदी से पानी लेकर उसके मुंह में क्या करता है? राजू सक इन वाटर विथ हर ट्रंक। राजू जल्दी से जाता है और नदी से पानी को खींचता है अपने ट्रंक में, पानी को भरता है अपने ट्रंक में। और ही स्प्रे वाटर इनटू सोनास माउथ। और सोना जो मुंह खोल के पड़ी है उसके मुंह में जल्दी से पानी का स्प्रे कर देता है। थैंक यू राजू। और सोना पानी पी के खुश हो जाती है और अपने भाई को क्या बोलती है? थैंक यू राजू। आई एम थर्स्टी एनीमोर। आई एम नॉट थर्स्टी एनीमोर। मुझे अब प्यास नहीं है। सो थैंक यू राजू फॉर दिस हेल्प। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तो इस तरह से सोना अपने प्यास बुझा लेती है। किड्स आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। सोना इज थर्स्टी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी ना? सो किड्स इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट वी लर्न दिस स्टोरी? यस कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। कैसे? जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स को, आपके ब्रदर एंड सिस्टर को अगर कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर आपके फ्रेंड्स हो, इन स्कूल में हो या कहीं बाहर, उनको अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। सो किड्स ये जिस तरह से सोना के भाई राजू ने सोना को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई, उसकी हेल्प की, इसी तरह से आपको सबकी हेल्प करनी है। सो किड्स नाउ स्टार्ट अनदर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज हार्ड वर्ड्स। इन दिस स्टोरी वी हैव टू टेकन सम हार्ड वर्ड्स। सो किड्स फर्स्ट इज एलिफेंट। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट? E-L-E-P-H-A-N-T Elephant। Elephant में हाथी। Number 2 Forest। F-O-R-E-S-T Forest। Forest means jungle। Number 3 T-H-I-R-S-T-Y Thirsty। Thirsty मतलब प्यासा। Number 4 W-A-T-E-R water। water मने पानी। Number 5 D-I-P-S dips। dips मतलब किसी चीज में डुबोना। जैसे मम्मा टब में कपड़े को डुबोती पानी में, ऐसे डुबोना। Number 6 T-R-U-N-K trunk। trunk मतलब सूंड, हाथी की सूंड। Number 7 T-R-I-E-S tries। tries मतलब कोशिश करना। Number 8 S-U-C-K suck। suck मतलब सोखना, किसी चीज को खींचना, अंदर suck करना। Number 9 C-O-L-D cold। cold मतलब ठंड, मतलब किसी को ठंड लग जाती है तो उनको cough and cold हो जाता है, cold। Number 10 M-A-T-T-E-R matter। matter मतलब है कारण, क्या कारण है। Number 11 D-O-N-T don't। W-O-R-R-Y worry। don't worry, घबराओ नहीं, don't worry। Number 12 O-P-E-N open। open मतलब खोलना। जैसे कि सोना ने अपने माउथ को ओपन किया। Number 13 S-P-R-A-Y S sprays। sprays मतलब छिड़कना, किसी चीज को पर स्प्रे करना, छिड़कना। तो सोना के भाई राजू ने उसके माउथ में क्या डाला? पानी को स्प्रे किया। Number 14
thank, you, thank you, thank you is a word of our good manner. जब हमें कोई हेल्प करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, या कोई आपको कोई गिफ्ट देता है तब भी हम आपको थैंक यू बोलते हैं. ओके, सो वंस टाइम मोर वी हैव टू रिपीट दिस हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट इज एलिफेंट, सेकंड इज फॉरेस्ट, थर्ड इज थर्स्टी, फोर्थ इज वाटर, फाइव इज डिप्स, सिक्स इज ट्रंक, सेवन इज ट्राइज, eight is suck, nine is cold, ten is matter, 11 is don't worry, 12 is open, 13 is spray, and 14 is thank you. This is your hard words. So kids, you have to learn these hard words and write down in your notebook also. So next exercise is, so kids, in the last I am taking some word meanings. Some word we have to explain on their meanings. First is trunk, the long nose of an elephant. Elephant ki ek lambi naak. Suck, number two is suck, to pull in liquid such as water. Kuch aise liquid, चाहे वो पानी हो या जूस हो, उसको आप खींचते हैं, सब करते हैं, वो सब कहलाता है. नंबर थ्री स्प्रेस, स्प्रेड लिक्विड इन स्मॉल ड्रॉप, मतलब स्प्रे करना मतलब फुहारे छोड़ना, छोटे छोटे ड्रॉप. जब हम कोई चीज स्प्रे करते छींटते हैं तो छिड़कते हैं तो वो धीरे धीरे छोटे ड्रॉप के रूप में आगे गिरता है. नंबर फोर इज ओपन, नॉट क्लोज, जो बंद नहीं होता है, खुलता है वो ओपन है. नंबर फाइव थर्स्टी, समवन और समथिंग दैट इज इन नीड ऑफ लिक्विड और वाटर. किसी ऐसी चीज के को, किसी को भी, समथिंग कोई भी चीज हो जो इसको लिक्विड मतलब पानी के रूप में, प्यार पानी हो या कोई भी जूस के रूप में उनको जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं थर्स्टी. उनको हम कहते हैं थर्स्टी, प्यासा है ना, प्यास करने को थर्स्टी बोला जाता है. सो ओकेज, दिस इज अ वर्ड मीनिंग यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो किड्स, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी एंड सम हार्ड वर्ड्स एंड सम वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू लर्न. एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो किड्स, इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी डाउट, यू हैव टू आस्क मी ऑन ऑनलाइन सेशन. टिल देन बाय.